मियां चन्नू में डीपीएस स्कूल के साजा स्कूल प्रिंसिपल नसरुल्ला लगारी और हेडमास्टर हारून की मुबैना करप्शन और तनख्वाहें ना बढ़ाने के हवाले से एहतजाज कर रहे थे कि स्कूल प्रिंसिपल जिसकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो चुकी है कि हामियों ने स्कूल टीचर आरफ शाह और शाहद मीन को बेजा तशद्दुद का निशाना बनाया जिससे वो दोनों जख्मी हो गए। टीचर्स ने एहतजाज करते हुए अब तक टीवी को बताया कि प्रिंसिपल नसरुल्ला लगारी और हेडमास्टर ने स्कूल में करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। जब हम लोग आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो हमें नौकरियों से बर्खास्त करवाने की धमकियां दी जाती हैं। प्रिंसिपल साहब क्या फारूक लगारी साहब, फारूक लगारी साहब क्या कहते हैं आपको? कहते हैं चुड़ैल। पर वो फजूल वाह के अल्फाज आपके सामने अब नहीं बता सकते जो उन्होंने हमारी फीमेल को कहा। इसी मेरे मतहत है, इसी मेरे मतहत है, वो मेरे जूनियर रहे। हमें ये धमकियां देते हैं कि मैं रिटायर्ड डीसी हूं, मैं आने वाला हूं, मैं इदारे का मालिकदार होता है यार, ये ट्रस्ट का मालिक ये होता है, तो हमें धक्के दिए जाते हैं। मेरी प्रमोशन के सिलसिले में प्रिंसिपल साहब को एसी साहब ने 6 मरतबा मेरे सामने बैठ के फोन किया क्या? जबकि दर्जन से ज्यादा असातिज़ा ने तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से दरख्वास्त डीसीओ खानेवाल को भेज रखी है। वाकये की कवरेज करने पर अब तक टीवी के नुमाइंदे और कैमरामैन को धक्के दिए गए और स्कूल का मेन गेट बंद कर दिया गया, जबकि सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से पुलिस को भी स्कूल में दाखिल होने से रोका गया। एहतजाज करने वाले असातिज़ा ने आला हुकाम से फोटोस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन अली रजा गिलानी के साथ अशर रहमान, मियां चन्नू। अब तक